सो हेलो गाइस, वेलकम टू VVCS चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो एक रिकैप वीडियो है KGF चैप्टर 1 का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इसको रिलीज़ हुए। एंड अब जब KGF चैप्टर 2 रिलीज़ होने वाली है तो इसका एक रिकैप तो बनता है। सो लेट्स बिगेन दी वीडियो। फिल्म की स्टार होती है राइटर आनंद इंगलाजी के नरेशन से, जो कि रियल लाइफ में हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो KGF में हुआ था, और तो और वो भी बुक के माध्यम से, जिसका नाम उन्होंने एल डोराडो रखा था, जिसमें वो बताते हैं कि 1951 में एक ही दिन ऐसी दो चीज़ें हुई थी जिसने पूरे इंडिया का फ्यूचर बदल कर रख दिया। पहला KGF की डिस्कवरी और दूसरा रॉकी का पैदा होना। उसके बाद हमें रॉकी देखने मिलता है, जो कि अब 10 साल का हो चुका है और मुंबई में अपना वर्चस्व बनाने आया है। इसे देखकर लोग कह रहे हैं कि उसे क्या चाहिए, और रॉकी कुछ इस तरह से जवाब देता है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें हमें पता चलता है कि रॉकी अब बड़ा हो चुका है और अब वो राइट हैंड बन चुका है सेट्टी भाई का, जो कि एक स्मगलर है मुंबई का। बाद में रॉकी सेट्टी भाई से भी बड़े गैंगस्टर एंड्रयू को ज्वाइन कर लेता है। उसे गरुड़ा को मारने का काम सौंपता है, क्योंकि यही KGF का आगे का फ्यूचर होने वाला था, गरुड़ा। इसके बाद हमें अधीरा का पता चलता है, जो सूर्यवर्धन का छोटा भाई होता है और गरुड़ा का पिता भी होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि गरुड़ा को एक कसम दी गई है कि वो जब तक सूर्यवर्धन और गरुड़ा जिंदा है तब तक वो KGF पर हमला ना करे। अधीरा का फेस इस मूवी में नहीं दिखाया गया है, पर KGF 2 में इसका रोल संजय दत्त करने वाले हैं। उसके बाद हमें रॉकी बैंगलोर जाते हुए दिखाई देता है, जो कि गरुड़ा को मारने पहुँचा है। वो वहाँ पर गरुड़ा को नहीं मारता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि गरुड़ा की नज़र जिस KGF पर है उसमें कुछ तो भी खास है। उसके बाद रॉकी KGF की माइंस में गरुड़ा का ही लेबर बनकर वहां चला जाता है, ताकि वो गरुड़ा और KGF के बारे में और जान सके, और देखते ही देखते वहां के लेबर्स का मसीहा भी बन जाता है, जिसमें वो गरुड़ा के लोगों को बहुत मारता है और एक बूढ़े आदमी को भी बचाता है उनसे, जो कि उसे मारने वाले होते हैं, जिससे रॉकी अब वहाँ का हीरो बन चुका है। इसके बाद KGF में काली पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें रॉकी गरुड़ा का सर काट देता है और पूरे KGF पर अपना वर्चस्व जमा लेता है। और उसके बाद हमें आनंद इंगलाजी बताते हैं कि ये बस शुरुआत है, इसके बाद भी रॉकी ने काफ़ी कुछ किया है, जो कि हमें KGF 2 मूवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मूवी में अधीरा का कमबैक होने वाला है, जो कि संजय दत्त प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिकैप अच्छा लगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।